गुड मॉर्निंग. आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर हम लोग पहले तो मोड्स देखेंगे स्ट्रिंग के, जब उसको एक एंड से क्लैंप किया गया रहेगा. ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा था जब दोनों एंड से क्लैंप करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, मोड्स फ्रीक्वेंसी है, तो इस मोड का नाम क्या होगा?
पहली बात तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल मोड कहेंगे, या फिर इसी को नाम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर काउंट, मतलब हार्मोनिक को फंडामेंटल काउंट होता है, फंडामेंटल मोड काउंट होता है हार्मोनिक। तो दिस इज नोन एज फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। और यहाँ से बात ये समझ में आ रही है, वहाँ पर जो आपकी ये देखो यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू क्या है, बीमैप हो रहा है इसको अगर मैं रेज कर दूँ तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/4L इनटू बी, यहाँ बी की वैल्यू भी रख सकता हूँ मैं, बी की वैल्यू अगर रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1/4L अंडर रूट ऑफ टी बाय एन। देखो वहां पर आता था 1/2L, मतलब डिवीजन जो होता है 2 से होता था, यहाँ पर डिवीजन जो होता है कैसे होता है 4 से होता है। इसका मतलब सीधा है कि इसके फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और उसके फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि आप अगर दोनों एंड से स्ट्रिंग को फिक्स करोगे तो उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होगी, और अगर आप एक एंड से स्ट्रिंग को फिक्स करोगे तो वो कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगी। अगर आप दोनों एंड से अगर फिक्स करते हो स्प्रिंग को और फिर उसे प्लग करते हो और वाइब्रेट कराते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, और अगर आप एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है और वैसे अगर आप उसे वाइब्रेट कराते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है, ये फर्स्ट मोड हुआ। नेक्स्ट आप लोगों इसी में सेकेंड मोड, ठीक है, इसमें क्या लेंगे हम लोग, फिर से फिक्स सपोर्ट लेंगे, स्ट्रिंग को वैसे ही फिक्स कर देंगे और इसे किसी और पॉइंट से पकड़ कर प्लग कर देंगे, वाइब्रेट होगी तो कैसे वाइब्रेट होगी, या तो ऐसे वाइब्रेट होगी, या फिर ऐसे वाइब्रेट होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, पूरा और हाँ पहले यहां पर रख सकते, ठीक क्या होगा मोड, दिस इज व्हाट एंटी मोड, this is mode, नहीं रहेगा लास्ट में तो कुछ बन नहीं रहा है, इसी को लास्ट पर ले कोई मान को एंट्री हो, ठीक है, और कौन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है नोड और एंट्री नोड के बीच का, लैम्डा बाय 4 नोड एंट्री नोड है, ये नोड एंट्री नोड के बीच का दिस लैम्डा बाय 4, ये नोड एंट्री नोड के बीच का लैम्डा बाय 4, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, तो लेंथ मैं कितनी मान सकता हूं 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है,
ठीक है, लेंथ कितनी आ गई 3λ/4। जब हम लोगों ने यहाँ पर लेंथ पता कर ली कितनी आ रही 3λ/4, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4L/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो इसके वैल्यू ऑफ लेंथ 4L/3 ना, लेंथ तो आ गया हमारे पास में। B is equals to क्या होता है n लेंथ, बट यह n की वैल्यू कुछ अलग लेनी पड़ेगी, n की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ n1 रख देता हूँ, पहली फ्रीक्वेंसी को अगर n माना तो ये हाइयर है उसको n1 मान लेते हैं, n1 क्या हो जाएगा v by lambda, so n1 is equals to v by lambda की वैल्यू कितनी है 4L/3। अब ये 3 कहाँ से ले जाएगा ऊपर चला जाएगा, so n1 is equals to क्या हो जाएगा 3v/4L। अगर इसको रेंज करें तो n = 3 आगे लिखेंगे और v/4l को सेकंड में, ये जो v/4l है ये क्या होता है n होता है, n = 2 क्या हो जाएगा आपका 3n होता है, तो n = 3n आ रहा है, तो मोड का नाम क्या होगा, पहली बात तो देखो 2n एब्सेंट है लेकिन हार्मोनिक में वो बाउंड हो, क्योंकि जो एब्सेंट होता है वो भी बाउंड होता है और 3n प्रेजेंट है तो ये भी काउंट होगा, तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक इसको नाम दे सकते हैं, या फिर ये पहला ओवरटोन प्रेजेंट है 2n तो काउंट नहीं होगा ना, 2n एब्सेंट है ओवरटोन में काउंट नहीं होता, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड मोड हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगले मोड में दे सकते हैं, लास्ट मोड वो देख सकते हैं हम लोग, देखिए थर्ड मोड, इसमें देखो किस तरीके से वाइब्रेट करवाए हमको, जिस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है दो लूप पूरे हैं और एक लूप क्या है हाफ है, ठीक है, ये पॉइंट क्या बनेगा आपका नोड, ये पॉइंट क्या बनेगा एंटी नोड, दिस इज नोड एंटी नोड नोड और ये एंडिंग होगा, ठीक है, तो कितना आएगा लैम्डा बाय फोर, इससे लैम्डा बाय फोर, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 3/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इज इक्वल्स टू 5λ/4 हो जाएगा, ठीक है, हम लोग b इज इक्वल टू क्या रखेंगे n2λ, तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा v/λ, अब अगर यहाँ से लैम्डा अगर आप निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली थी 4 इधर चला जाएगा, ठीक है, 5 और कौन आ जाएगा
लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 4l बाय पाई। ये लैम्डा की वैल्यू उठा के हम यहां रखते हैं तो n2 मिल जाएगा। n2 क्या हो जाएगा v अपॉन 4l बाय पाई। पाई के ऊपर चले जाना तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई v बाय 4l। अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों क्या है लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉस आसान है ठीक है लेकिन इन पर क्वेश्चन बनता है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉस देख रहे इसके लिए याद रखो तो कभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय 12 अंडर रूट ऑफ e बाय तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ठीक है इससे बनते हैं लॉस फॉर्मूले से ठीक है। सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ लेंथ। इसमें क्या होता है इफ टी टेंशन एंड एम लीनियर मास डेंसिटी इज constant then अगर t
टेंशन और एम लीनियर मास डेंसिटी दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट वो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, देन एन इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, बोल सकता हूं मैं, एन जो है इधर से क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इधर से लेते हैं सारे कांस्टेंट रहेंगे तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी लगेगी, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एन एल बराबर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट आएगा वापस, तो एल को अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, एन इन टू एल का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो आई कैन से दैट हियर एन वन एल वन इज इक्वल टू व्हाट, एन इन टू एल टू बराबर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एन वन एल वन बराबर से एन टू एल टू बराबर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, एन वन बाय एन टू इज इक्वल टू एन टू बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये रिलेशन भी कई जगह पर हमें काम आएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लेंथ, ये आपका फर्स्ट लॉ है। यहाँ पर दूसरे लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम है लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन डिनोटेड बाय टी, यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एल वेन एंड एम लीनियर मास डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, then n is directly proportional, देखो l constant हो गया तो 1 by 12 पूरा constant हो जाएगा, small m constant हो जाएगा, so here we can write frequency is directly proportional to root of t, frequency is directly proportional to under root of t, बोल सकता हूँ मैं कि दो चीजें constant हो गई l और m, तो क्या बोलता हूँ मैं, constant सारे हट जाएंगे, L constant है पूरा constant हो जाएगा, M constant है तो क्या बचेगा, T बचा, और सारे constant और proportional equal to हटेगा तो क्या लग जाएगा, proportional है सिर्फ, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने directly proportional to root of what, T, इसे अगर arrange करूँगा तो M by root T equals to क्या आ जाएगा, constant आ जाएगा, तो here I can write this N1 by root of T1 equals to n2 by root of t2 बराबर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। शिफ्ट भी कर सकते हैं हम लोग, n1 by n2 बराबर से क्या हो जाएगा, n root of t1 by t2, this is known as law of tension, t, ये हुए दो लॉ।
नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. Here we can write this. If P is constant and E constant hai bandha, L is constant. Then कांस्टेंट हो गया हमारा फॉर्मूला क्या था n इज इक्वल टू 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ p बाय ये कांस्टेंट हो गया ये भी कांस्टेंट हो गया बाहर का पूरा तो कैन आई राइट हियर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n बोल सकता हूं मैं ये चला जाएगा n रूट ऑफ n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ठीक है अब ध्यान दो यहाँ पर स्पेसिफिक लिख सकते हैं n1 रूट ऑफ m1 इक्वल्स टू n2 रूट ऑफ m2 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n1 बाय n2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1 इनवर्स है ना या फिर स्टेप को आगे ले सकते हैं मेरे को क्या आ जाएगा एस रूट ऑफ एम बराबर से क्या दिया है कांस्टेंट दिया है ये एम इज व्हाट लीनियर मास डेंसिटी ठीक है एम आपका क्या है लीनियर मास डेंसिटी उसकी जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं एम इज व्हाट लीनियर मास डेंसिटी तो एक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कहना है से मास अपॉन लेंथ बोल सकता हूँ तो यहाँ पर रखता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ मास अपॉन लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट कहना है राइट मास की जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बात वही मैं लिख सकता हूँ मास की जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर लेंथ इक्वल्स टू क्या बनेगा कांस्टेंट ठीक है अब वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं स्ट्रिंग है तो एरिया इनटू हाइट एरिया क्या होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर क्या लिखते हो मैं यहाँ पर n रो को ऐसे रख देते हैं वॉल्यूम की जगह पर क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू l अपॉन l बराबर से क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा ये l क्या हो जाएगा कैंसिल तो n इनटू रो पाई आर स्क्वायर बराबर से कांस्टेंट या अगर आप साइड में लिखना चाहते हैं इसकी वैल्यू आ रही है रूट एम की वैल्यू आ रही है तो मैं लिख सकता हूँ रूट एम इक्वल्स टू रूट रो पाई आर स्क्वायर मतलब एम बराबर से क्या हो जाएगा रो इनटू पाई आर स्क्वायर ठीक है सपोज टू बी इफ रो इज कांस्टेंट अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं रो को मैं क्या मान लूं कांस्टेंट मान लूं तो रो अगर कांस्टेंट हो जाता है रो इज कांस्टेंट इफ ऐसे लिख रहा है इफ रो इज कांस्टेंट तो यहां पर क्या बचेगा एन आर ये कांस्टेंट हो गया आई ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट है और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एन आर बराबर से क्या हो जाएगा कांस्टेंट अगर एन आर बराबर से कांस्टेंट है तो कहना है से एन1 आर1 बराबर से एन2 आर2
बराबर से कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं, इसका मतलब कहना है ऐसे n1 by n2 बराबर से क्या हो जाएगा r2 by r1, अगर ये होता है तो कहना है ऐसे n is inversely proportional to r, लेकिन ये कब पॉसिबल है जब डेंसिटी क्या हो कांस्टेंट, रो क्या हो कांस्टेंट, रो को कांस्टेंट कराने पर n inversely proportional आए r के, ठीक है। अब अगर मैं r को कांस्टेंट रख दूं, if r is कांस्टेंट, अगर r को कांस्टेंट रख दूं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, पाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n root of rho बराबर से कांस्टेंट, ठीक है। तो root of rho को नीचे ट्रांसफर कर दो, यहां लिख देना n is inversely proportional to root of rho r कांस्टेंट, r कांस्टेंट हो तो डेंसिटी के साथ रिलेशन लिख लेगा और डेंसिटी कांस्टेंट हुई तो r के साथ रिलेशन, यहां पर ये लॉस खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, देखो ऑर्गन पाइप का है नेक्स्ट टॉपिक। ऑर्गन पाइप क्या होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब इज नोन एज ऑर्गन पाइप, सिलेंड्रिकल ट्यूब को क्या कहते हैं ऑर्गन पाइप कहते हैं। ऑर्गन पाइप जनरली टू टाइप के होते हैं, ठीक है, एक क्लोज एंड वन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरा होता है ओपन एंड होता है। ऑर्गन ठीक है, दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं, ओके, एक क्या होता है क्लोज सेट वन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरा ओपन एंड बोथ एंड ऑर्गन पाइप। सपोज एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक एंड मान लो क्या है क्लोज है, अभी ऑर्गन पाइप का यूज क्या है, हम लोग इसके अंदर एयर कॉलम के वाइब्रेशंस चेक करते हैं। एक्चुअल क्या होता है क्लोज एक एंड, अब हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, कोई साउंड सिस्टम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया यहां पर ट्यूनिंग कॉल लगा दिया,
होगा कि यहाँ वाइब्रेट करेगा, तो एयर इसके वाइब्रेशन लेके क्या जाएगी, पाइप में जाएगी, एयर पार्टिकल्स जो है ठीक है वो वाइब्रेशन लेकर कहाँ जाएंगे, पाइप में जाएंगे। तो हमें देखना है कि कितने मोड के अंदर साउंड यहाँ वाइब्रेट कर सकता है। जैसे अभी हमने स्ट्रिंग के मोड ऑफ वाइब्रेशन देखे थे, अब हम लोग किसके देखेंगे साउंड के केस में देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पर साउंड वाइब्रेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विदाउट एड करेक्शन देखेंगे, देन हम लोग एड करेक्शन के साथ देखेंगे। एड करेक्शन क्या होता है समझेंगे बाद में, जब विद एड करेक्शन हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके के पाइप को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंड वन एंड ऑर्गन पाइप, ठीक है, ऐसे कहते हैं क्लोज्ड एंड वन एंड ऑर्गन पाइप। सेम होता है इसके दोनों एंड ओपन रहेंगे। तो साउंड इधर से भी जाएगा, इस तरफ से भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके के पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन एंड बोथ एंड ऑर्गन पाइप। एक हो गया आपका क्लोज एंड वन एंड ऑर्गन पाइप, और दूसरा हो गया आपका ओपन एंड बोथ एंड ऑर्गन पाइप। अब इसके दोनों के वाइब्रेशन हमें देखना है, ठीक है, देखते हैं हम। पहले किसके देख लेते हैं, क्लोज वाले के देख लेते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये सबसे क्या रहेगी,
स्मॉल फ्रिक्वेंसी देखो, ये उस केस में भी आई थी जहाँ पर स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स थी, ये फ्रिक्वेंसी आई थी, तो सेम ही रहता है, स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स रहेगी और इसके केसेस और उसके केसेस सेम रहते हैं। और ओपन पाइप के और जब स्ट्रिंग दो एंड से फिक्स होती तो उसके भी सेम होते हैं। तो ये फर्स्ट मोड हो गया, या फिर इसे हम लोग काम कर देंगे क्या बोल देंगे इसे फंडामेंटल मोड, या फिर द नेम इज फर्स्ट हार्मोन, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया रहेगा सेमी कहानी, बस मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा, इससे आप समझ लोगे लगा ना। दूसरे मोड में देखो कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। आप यहाँ क्या रहेगा एंटी नोड, यहाँ नोड, यहाँ एंटी नोड और यहाँ फिर से नोड, तो ये नंदा बाय फोर, नंदा बाय फोर और ये भी नंदा बाय फोर, मतलब ओवरऑल लेंथ कितनी आ जाएगी थ्री नंदा बाय फोर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एन वन कितना आएगा, थ्री एन आएगा राइट ना। ऐसे ही नेक्स्ट में एन टू कितना आ जाएगा, फिर फाइव एन, एन थ्री कितना आ जाएगा 7n, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ओवरऑल कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के रेशियोज क्या रहेंगे, अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रेशियो, यू टू फाइंड डायग्राम से अगर आप बदला बना सकते हो क्योंकि मैंने बना दिया है और आपको स्ट्रिंग वाला केस पढ़ा भी दिया है तो उसमें आपको क्लियर हो गया रहेगा क्या करना है। फ्रीक्वेंसीज का रेशो क्या है, एन वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री, बराबर से क्या जाएगा वन इज टू थ्री इज टू फाइव, एन थ्री एन फाइव एन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का रेशो, ठीक है। अब आपको पता है हार्मोनिक तो सारी रहेंगे लेकिन ओवरटोन कौन कौन से रहेंगे, अगर आपको पिच ओवरटोन की बात करता है कि पी नंबर का ओवरटोन निकालो तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2p plus 1 into n, कैसा आ जाए देखते हैं। यहाँ p की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपको p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 से रहेगा 1 2 3 so, तो देखो ये आपका कौन सा हार्मोनिक होगा, देखो पहला ओवरटोन क्या होगा, पहला ओवरटोन होगा आपका 3n, इसे फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। तो आता है क्या देखो, तो b की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 plus 1 3 3 है, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन, फिर 2 रखोगे तो कितना आएगा 5 है, ये क्या रहेगा आपका सेकंड ओवरटोन। तो आप ये फॉर्मूले से भी ओवरटोन फाइंड आउट कर सकते हो, जो p रखोगे उतने नंबर का ओवरटोन आ जाएगा, अगर आप 1 रखते हो 2 रखते हो तो उतने नंबर का ओवरटोन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद ओपन ऑर्गन पाइप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इससे रिलेटेड एडी करेक्शन देखेंगे, ठीक है।